सबसे पहले सब लोग दंडासन की पोजीशन में आ जाए, मतलब दंडासन पता है ना आप लोगों को? हाँ तो आ जाओ सब लोग, सीधा सीधा पैर ऐसे करके ये खोल के, हाँ ऐसे सीधा कर, और ये हाथ ऐसे पीछे, ठीक है? हाँ सब लोग दंडासन की पोजीशन में आ जाए, सीधे एकदम कमर सीधी रखेंगे, मुंह बंद, आंखें खुली, ठीक है? देख ना, आंखें नहीं बंद करना है। अब सबसे पहले क्या किए थे कल हम लोग दंडासन में आ गए, उसके बाद क्या किया याद है किसी को? पंजों का सूक्ष्म व्यायाम, पैरों का सूक्ष्म व्यायाम, ठीक है? सूक्ष्म व्यायाम किस लिए किया जाता है? पैरों की, जैसे ये पैरों का करेंगे तो उंगलियां मजबूत होंगी और पैरों की जो है पंजे मजबूत होंगे। जैसे हम लोग खाली ऊंचे में पैर पड़ता है तो उससे मोच ओच आती है ना आप लोगों को, मोच आ जाती है तो उससे मजबूत होगा पैर तो मोच नहीं आएगी, पैर मजबूत होगा तो मोच नहीं आएगी। तो ये इसके फायदे होते हैं सूक्ष्म व्यायाम के। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम पैरों का करेंगे। इसमें आप लोग सांस को लेंगे नाक से और पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे, पैर के पंजों को, पंजे मतलब ये उंगली ऊपर वाली, ठीक है? ऐसे ऐसे खींचना है और हवा को नाक से लेना है और हाथ दोनों पीछे रहेंगे, कमर सीधी रहेगी। हाँ कमर सीधी रखना सब लोग, ऐसे देखो ऐसे करना, मतलब जब खींचेंगे ऐसे ये ऐसे पैर आएंगे, देखो ठीक है? ये है पंजे पैर के, ऐसे आएंगे तो सांस को खींचेंगे अंदर लेंगे फिर छोड़ेंगे, फिर ऐसे छोड़ना है आराम से, ठीक है? कोई जल्दी जल्दी के चक्कर में नहीं करेगा, आराम से करेगा एकदम। करो दो चार बार, चार पांच बार करो। और जो है ये टूनिया नहीं मुड़ेंगी पैर की, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करके, ठीक है? ऐसे पैर से ये टच करेंगी दोनों, फिर जो है ऐसे करना है। चार से पांच बार सब लोग कर लिए, उसके बाद हम लोग करेंगे ये जो पंजे हैं इसे ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, ठीक है? गोल बड़ा सा ऐसे गोला बनाएंगे, कोशिश करना धीरे धीरे हो जाए। आपस में पहले दोनों को मिला लो ऐसे, आपस में ऐसे जो पंजे हैं ये आपस में ऐसे मिला लो सब लोग। हाँ मिला लिए, आप करो ऐसे, देखो ऐसा करना है और कोशिश करना कि ये टूनी ना उठे, आराम से करना और मुंह बंद रखना। अब जिस तरह घुमा रहे थे उसका उल्टा घुमाओ, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा बोलते हैं, ठीक है? जैसे ऐसे ऐसे घुमा रहे थे वैसे ऐसे घुमाओ पंजों को। हाँ सोना नहीं, मुंह खुलेगा ना, मुंह नहीं खोलना है, नाक से हवा लेना है। सोना बोलो ना।